आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। JNU के कुलपति की तरफ से जो बयान दिया गया है शिव को लेकर, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, JNU के कुलपति के द्वारा जो बयान दिया गया है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एकदम इस तरह का बयान है कि जिसपे पूरे समाज में उबाल है, और केवल भगवान महादेव को नहीं, भगवान विष्णु जी को भी नहीं छोड़ा है, देवादिदेव महादेव की भी जाति बताने का जो काम किया गया है, ये JNU के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने बयान अचानक दिया है। एक सोची समझी रणनीति है, और विदेशी ताकतों के इशारे पर सनातन धर्म को कमजोर करने की उन्होंने ये सब प्रयास किया है, और पूरा मखौल उड़ाया गया है। भगवान शंकर जी आदि अनादि हैं, उनकी जाति कोई बता नहीं सकता। जब दुनिया में कोई नहीं था तब महादेव थे, इसलिए मैं उनके खिलाफ FIR लौनी थाने में कराई है, और उम्मीद है कि कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। इसके अलावा आप लोग क्या स्टैंड ले रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो या उनसे माफी मंगवा रहे हो, क्या स्टैंड रहेगा आपकी तरफ से? ये देश में बवाल कराने की योजना है, पूरे देश के अंदर इस तरह के लोग समय समय पर करते रहते हैं, इनको बाहर से फंडिंग होती है, तो वही हमने मांग की है कि उसमें इनके खिलाफ मुकदमा NSA के तहत दर्ज हो, और मुझे उम्मीद है कि दर्ज होगा, कोई प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में इस तरह के किसी प्रकरण को जगह नहीं है। एक आखिरी सवाल, हिंदू देवी देवताओं को लेकर आए दिन कोई ना कोई विवादित बयान दिया जाता है, और कहीं ना कहीं ऐसे सवाल खड़े किए जाते हैं, क्योंकि लोगों की, खासकर हिंदू धर्म की काफी श्रद्धा है, हिंदू जो देवी देवता है, उनके लिए क्या कड़े लहजे में आपकी तरफ से क्या जवाब रहेगा? देखिए, किसी दूसरे रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।